अभियान NIS, इसमें 12 वैक्सीन लगाई जाती है, 12 वैक्सीन। और 12 वैक्सीन कौन कौन सी है? जन्म के समय लगाई जाती है OPV 0, VCG, हेपेटाइट बी, ये बर्थ डोज है। 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह में लगाई जाती है OPV फर्स्ट, RVV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, पेंटा बैलेंट फर्स्ट, PCV फर्स्ट। 10वें वीक में लगाई जाती है OPV 2, RBV 2, पेंटावेलेंट 2। 14वीक में लगाई जाती है OPV 3, RBV 3, FIPV 2, पेंटावेलेंट 3, PCV 2। जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है तो 9 से 12 महीने के बीच में लगती है MR फर्स्ट, FIPV 3, PCV बूस्टर, JE फर्स्ट। जब बच्चा 16 से 24 मंथ का होता है तब डोज लगाई जाती है OPV बूस्टर, MR 2 और CVT फर्स्ट, JE 2। और जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तब लगती है DPT का टीका, बूस्टर सेकंड। और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तब टीका लगता है एक TD का टीका। और जब 16 साल के हो जाते हैं बच्चे तब TD का फिर से टीका लगता है। और जब बच्चे लास्ट का, जब महिलाएं गर्भवती होती है तब टीका लगता है प्रेग्नेंट वूमेन, TD फर्स्ट, TD 2 या फिर TD बूस्टर दिया जाता है। तो ये है, 12 वैक्सीन दी जाती है, टोटल 12 वैक्सीन का चार्ट है। यह आप देख सकते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाते हुए समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। अब इसमें देखो क्या है, भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत जन्म और बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम का एक हिस्सा है और यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। टीकाकरण से बचाव योग्य 12 बीमारी के खिलाफ टीकाकरण का लाभ उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर 11 बीमारी के खिलाफ, 11 बीमारी कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल अवस्था का गंभीर टेपेडिक यानी TV, तपेदिक जिसको TV कहते हैं, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकस के कारण होने वाला निमोनिया। उपराष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी के खिलाफ जापानी इंसेफलाइटिस JE टीका केवल लक्षण युक्त एंडेमिक जवानों में प्रदान किया जाता है। यूविन प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीके को रिकॉर्ड करता है।
यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है, जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में टीका प्रदान किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।